श्री गुरु नानक देव जी की पंजवीं जोत श्री गुरु अर्जुन देव जी जिन्हां लुकाई नू नाम ते सिमरन का अमृत पिलाया, जिन्हां दी शहादत ने यह पैगाम दिता कि हकूमत जुल्म अत्याचार कदे भी सच नू चुका नहीं सकता। आप जी का जन्म 15 अप्रैल 1563 ईस्वी नू गोइंदवाल साहब विखे होया। आप जी की माता जी का नाम बीबी पानी ते पिता जी श्री गुरु रामदास जी सन। बचपन तो ही आप जी नू गुरबाणी राग विद्या ते पढ़ाई लिखाई नाल गूढ़ा प्रेम सी। आप जी दे नाना श्री गुरु अमरदास जी ने आप लई गणित हिंदी संस्कृत ते फारसी सिखाउण लई वक वक अध्यापक बुलाए। बाबा मोरी जी, ठीक है तुसी गणित पढ़ाउंदे हो, पर इस दीवे दी लौ दा केड़ा गणित जानन दी कोशिश कर रहे हो? पंडित बहनी प्रसाद जी, इस रोशनी दा, इस कुदरत दा गणित कोई इंसान नहीं जान सकता। उस बेअंत दा हिसाब किताब ओ निरंकार ही जाने। फिर इन्नी टिकटकी ला के लौ वल की वेखी जांदे हो? मैं तो यह सोच रहा सी बेनी प्रसाद जी कि जिद्दां इस दीवे दी लो कुप हनेरा दूर कर देंदी है, आला दुआला जगमग कर देंदी है, उस तरह जब मैं बालक अर्जन नू गणित पढ़ा रहा हुन्ना तो उहदा वजूद, उहदी अलौकिक सादगी ते कशिश मेरे दिल दे सारे हनेरे दूर कर देंदी है। उहदी संगत हिरदे नू एक अजीब किस्म दी तृप्ति मिलती है। वाकई बाबा मोरी जी, मैं भी जद जद बालक अर्जुन देव नू हिंदी संस्कृत पढ़ाउन जाना उसकी तीखन बुद्धि मन मोह लैंदी है। उस बालक विच एक खास तरह का नूर है जिहड़ा यह दसदा है कि आने वाले समय विच यह बालक असाधारण काम करने वाला है। हुण वेखो ना, 10 साल की उम्र विच यह बालक राग विद्या विच माहर हो चुका है। गणित का कोई भी पहलू उहदे तों अछूता नहीं। हिंदी संस्कृत का तो वह ज्ञान भंडार बन चुका है, तो इतों तक कि फारसी भाषा के हर पहलू तो भी वाकिफ है। अचंभे की गल तो यह है बेनी प्रसाद जी कि पढ़ाई विच इन्नी महारत हासिल होने के बावजूद बालक अर्जुन घुड़सवारी तीर अंदाजी ते नेजेबाजी विच भी पूरी तरह निपुण ने। मैनू तो लगता है बाबा मोरी जी कि बालक अर्जुन देव वक्त दे पन्निया ते कुछ ऐदां दा लिखेगा जिन्नू पढ़ के पूरी लुकाई अपना जीवन सफल करेगी। वाह बाबा मोरी जी, वेखो ना बाहर हवा बड़ी वधिया चल रही है, आ थोड़ा घूम के आइए। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। उस वेले चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी की रहनुमाई विच पंजाब दियां हवावां विच नाम ते सिमरन दा रंग सी। गुरु की इलाही बाणी जो भी सुनता गुरु घर दा श्रद्धालु हो जाता। सिख धर्म दा चानण दिन ब दिन फैल रहा सी। श्री गुरु रामदास जी नू जदे महसूस होया कि उन्हां दा प्रभु जोत विच विलीन होण दा समा आ गया है, तां उन्हां गुरगद्दी दे उत्तराधिकारी बारे सोचिया। प्रीख्या लैनी जरूरी सी ताकि पता लग सके कि कौन है वारिस जिदे मन विच हंकार दे कंडे नहीं बल्कि हलीमी दी खुशबू है, जिस दी रूह ते मोह माया दा गलबा नहीं बल्कि हर वेले वाहिगुरु दा अनहद नाद गूंजता रहिंदा है। उन्हां दिनां विच गुरु रामदास जी दे एक रिश्ते भाई सियारी मल दे लड़के दा लाहौर विखे विआह सी। प्रीख्या वजों गुरु जी ने अजमाना चाहिया कि उन्हां दा किहड़ा पुत्तर आग्ञाकारी है। पहला वड्डे पुत्तर पिरथी चंद नूं व्याह लई लाहौर जाण बारे क्या गया। पिरथी चंद कहण लगा, पिता जी मैं ते लाहौर व्याह विच शामिल होण जावां, कित्ता दियां गल्लां करदे हो?
ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਇਹ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਵਿਆਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਭਲਾ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਜੀ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇਖ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਪਿਰਥੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਾਲੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸੜਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਸੜਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਲਾਹੌਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾ। ਨਹੀਂ 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 ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਜਾਣ ਗਏ ਕਿ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਝਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹੀ ਆਗਿਆ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਠਹਿਰਿਆ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਆਦਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਤਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਤਿਆਂ 'ਚ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਏ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਜਾਣ ਗਏ ਕਿ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਧਾਗੇ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਰੰਗ ਗੂੜਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਪ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਈ ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਿਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਲਣਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇਲਾਹੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜੋ ਸਨ। ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਸ ਜੱਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਦੀਪ ਜਲਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦ ਆਪਣੀ ਸੁਰੀਲੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਧਰਤ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਧਰਤੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਅਨਾਦ ਗੂੰਜਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਫਕੀਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਲਾਹੌਰ ਅੰਦਰ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ, ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੁਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਮਿਲੇ, ਦਿਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋ, ਜੁੜੀ ਤਾਰ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਮ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਲਾਪ ਹੋ। ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਪੀਰ ਆਪ ਹੋ, ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਪੀਰ ਆਪ ਹੋ।
पीर मियां मीर जी की सोच रहे हो? मैं मैं अर्जुन देव बारे सोच रहा सी, जेड़े हुने हुने साडे कोलों उठ के गए ने। अब्दुल, जद वो इत्थे बैठे सन तां लगदा सी कि खुदा दा कोई फरिश्ता इत्थे बैठा होए। जद वो बोलदे सन तां उन्हां लफ्ज़ां विच इक खास किस्म दी कशिश सी, जेड़ी जेड़ी रूह नूं सकून दे रही सी। उन्हां दे ख्यालां च परवरदिगार दी महक सी। ओ अखां इबादत दे नूर नाल रोशना रहियां सन। हुण जद इत्थों उठ के चले गए ने तां लगदा जिद्दां नूर दा इलाही कारवां इत्थों रुखसत हो गया होए। असीं तां अर्जुन देव होरां दे मुरीद बन के रह गए हैं अब्दुल, मुरीद बन के रह गए। लाहौर विच संगतां नूं बाणी नाम ते सिमरन नाल जुड़दे आं। जद अर्जुन देव जी नूं 2 साल तों ज़्यादा समा हो गया पर गुरु रामदास जी ने वापस ना बुलाया तां उन्हां इक सिख दे हथ गुरु साहब लई चिट्ठी भेजी जिहड़ी पिरथी चंद ने गुरु साहब तक पहुँचने ना दित्ती। कुछ समय बाद अर्जुन देव जी ने दूजी चिट्ठी भेजी जिन्हों पिरथी चंद ने फिर अपने तक ही रखिया। फिर अर्जुन देव जी ने तीजी चिट्ठी सिख नूं ये कह के दित्ती कि ये गुरु साहब के हाथ विच ही दित्ती जावे। गुरु साहब ने जद चिट्ठी पढ़ी तो उस उत्ते 3 का अखर अंकित वेख्या तो उन्हें पहलियां 2 चिट्ठियां बारे पुछया तो सिख ने पिरथी चंद वल इशारा किया पर पिरथी चंद मुकर गया। आखिर गुरु जी ने एक सिख भेज के तलाशी ली तो चिट्ठियां बरामद हो गई। अर्जुन देव जी प्रीख्या चों सफल हो गए तो गुरु जी ने उन्होंने गुरुगद्दी ते बिठा दिता। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं ये कितना हो सकता? गुरु जी ने अपने वड्डे पुत्र मैनू यानी पृथ्वी चंद को छड़ के गुरगद्दी अर्जुन देव दे दी थी? मेरे तो मेरा हक खो लिया है, मेरे सुपने दे आलड़े नू खेरू खेरू कर छड्डिया। मेरी हालत ते टाणी तो टुटे उस पत्ते वांग हो गई है। किथे मैं सब तो वड्डा होना सी, संतां ने मेरे सामने झुकना सी, मैं माया विच खेडना सी, पर हुण ये सब कुछ अर्जुन देव कोल चला जाएगा। वो सारे तो छोटा होने के बावजूद भी सारे तो वड्डा हो जाएगा। नहीं, मैं उन्हें सारे तो वड्डा नहीं बढ़ दियागा। मैं उस नूं सारे तो वड्डा नहीं होण दियांगा। हंकार ते माया दे जाल विच फसिया पिरथी चंद इस गल तो अयान सी कि इंसान वड्डा उम्र नाल नहीं बल्कि सिमरन नाल उस वड्डे दी वड्याई करन नाल हुंदा है। गुरगद्दी ते बैठ के श्री गुरु अर्जन देव जी ने गुरु रामदास जी की मर्यादा की रोशनी दूर दूर तक फैलाउण दे उद्यम कीते। कीर्तन दे दीवान सजदे, संगतां नूं गुरु की बाणी नाल जोड़िया जांदा। श्री गुरु अर्जुन देव जी दे दरबार विच सत्ता ते उसका पुत्र बलवंडा बड़ा मनोहर कीर्तन करिया करते सन। फिर घर बैसो हर जन प्यारे सरजन तुमरे काज हर जन प्यारे सतगुरु तुम्हारे।
एक दिन सत्ते ने गुरु जी तो अपनी लड़की के विआह के संबंध में माली मदद मंगी तो गुरु साहब ने कहा कि अज के दिन संगत का जिन्ना भी चढ़ावा आएगा वो तुसी लै जायो। सत्ता जी करे रे पिरती चंद जी तुसी? हाँ जी इधरों लंघ रहा सी सोचा गुरु घर के कीर्तनियों का हाल चाल ही पुछ जावा। हाल तो माड़ा ही है पिरती चंद जी, लगता हुण जिंदगी का तानपुरा सुखां का सुर भुल जाऊगा। कुड़ी का विआह सिर ते है ते घर की माली हालत कमजोर है। गुरु साहब तो मदद मंगी सी पर जो रकम एक दिन के चढ़ावे की गुरु साहब ने दिती है वो तो बड़ी थोड़ी। हाय 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 वैसे गुस्सा ना करे सत्ता जी, गुरु घर के एडे वे कीर्तनियों गुरु साहब ने थोड़ दिली जी विखाई है। मैनू कुछ चंगा जहा नहीं लगा। अज गुरु घर की दूर दूर तक महिमा नहीं होनी सी जे तुहाडे सुर भिजे बोल संगत के कन्ना दे विच ना पैण। गुरु घर विच ये जो कीमती कीमती तोहफे आउंदे ने ये इसी करके आउंदे ने कि तुहाडे मिठे ते सुरीले गले विचों निकली होई बाणी इलाही हो जांदी। गुरबाणी दे श्लोक च जब तुसी संगीत दा रस भर दिंदे हो ता संगत अपना सब कुछ अर्पण कर देती है। पर सत्ता जी गुरु घर की महिमा बनाने वाले दा गुरु घर का प्रचार करने वाले दा ये हाल मेरे तो वेख्या नहीं जाता। पिरती चंद जी हुण मैं वेखूंगा कि जे असी उत्थे कीर्तन नहीं करते तो किन्नी कु संगत टुकदी है। मैं वेखूंगा हुण। हुण लगा है तीर निशाने ते। सत्ते दे गुस्से दे पांबड़ गुरु घर नूं बेइज्जती दी अग दे विच चुसा के रख देणगे जिन्हूं वेख के मेरी बदले दी अग ते कुछ ते पानी जरूर पएगा। सत्ते बेचारे नूं की पता कि गुरु साहब ने इहदी मदद कित्थों करनी है। चढ़ावा तो मैं ही गुरु साहब तक पहुंच नहीं देता। ओदे करके गुरु घर के लंगर में छोलिया का मोटा 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 अन्न वरताया जा रहा। बस हाँ बस कुछ चिर तक इदा रहा तो संगत का मूह गुरु घर तो आपे ही मुड़ जाएगा। पिरथी चंद दी चुकना विच आ के जद सत्ता ते बलवंडा ने गुरु साहब नूं इत्थों तक कह दिता कि जे असी ना होइए तां गुरु घर विच कोई ना आवे तां गुरु साहब ने कहा कि इन्हां बेमुखां ने गुरु घर दी निंदिया कीती है इसलिए इन्हां नूं कोई मत्थे ना लावे। सत्ते ते बलवंडे दा जद गुस्से ते अज्ञानता दा ताप उतरिया तां उह बड़ा पछताए। जिहड़ियां नज़रां उन्हां नूं इज्जत नाल वेखदियां सन उन्हां विच हुण घृणा सी। जिहड़ी संगत उन्हां दा मान करदी सी उही संगत उन्हां नूं हुण वेखणा पसंद नहीं सी करदी। आखिर उन्हां नूं किसे ने दस्या कि लाहौर विच रहण वाला एक सिख लद्दा उन्हां दी मदद कर सकदा है। उह लद्दे तक पहुंचे तां कि उन्हां दी भुल बख्शाई जा सके। तुहाडी भुल बख्शन वाली नहीं है सत्ता ते बलवंडा जी, तुसी गुरु घर दी निंदिया कीती। तुसी सोचते सौ तुसी ना जाओगे तो गुरु घर विच कोई नहीं आएगा। भाई लद्दा जी साड़ी भुल बख्शा दिओ, बेइज्जती दे कंकर साडे तो होर नहीं खादे जांदे। कृपा करो सानू इस बदनामी दे चिक्कड़ चो बाहर कढ़ो भाई जी। सत्ते ते बलवंडे ने गुरु घर की निंदिया कीती सी जिस करके संगतां च बड़ा रोह सी। इसलिए उस वेले फरमान सी कि जिहड़ा सत्ते ते बलवंडे की सिफारिश लेके आएगा
ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਤੇ 'ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਲੱਦਾ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖੋਤੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਸੱਤੇ 'ਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੰਗਮਈ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਾਈ ਮੰਝ। ਬਈ ਚੌਧਰੀ ਮੰਝ, ਕਿਸਮਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ, ਹਰ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਚੌਧਰੀ ਮੰਝ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ, ਮੈਂ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਕਈ ਪੀਰਖਾਨੇ ਬਣਵਾਏ ਨੇ, ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਤਬੇ ਦੀ। ਉਹ ਪੀਰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਈ ਮੰਝ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ! ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਵੇਖਾਂ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਗਤਾ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਰਗੀ ਬਾਣੀ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰੂਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਉੱਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਜਦ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰੂਹ 'ਤੇ ਹਲੀਮੀ ਦਾ ਬਾਣਾ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ, ਚੌਧਰੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਸਖੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੀਰਖਾਨੇ ਢਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਖੀ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਧਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਥੂ ਥੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ?
मेरी जिंदगी तो हुण तक जाया हुंदी रही है किशन चंद, ये मान सम्मान दौलत रुतबा ये सब झूठ है, ये सारा कुछ स्वार्थ ते खुदगर्जी दी बुनियाद ते खड़ा है। गुरु अर्जन देव जी दे इलाही वजूद ने बाणी दी सोबत ने मेरे हिरदे ते ऐसा बाण मारिया है कि तृष्णा लालच विन्ने कहने मन विच सिमरन ते शरदा दा वास हो गया है। पर तेरी जिम्मेदारी तेरी इज्जत इस पिंड चो खत्म हो गई है, हुण तू जाएगा किथे? गुरु दे चरणा च अपना आप वार के श्री गुरु अर्जन देव जी दे चरणा विच जिथे संसार दे सारे सुखां तों वड्डा सुख सच्चा सुख है नाम जपण दा सुख, जिथे अपना सारा कुछ गुआ के अर्पण करके अमृत ते सिमरन दा खजाना मिल जांदा है। गुरु घर जिथे सिर्फ ते सिर्फ आनंद है, सच्ची तृप्ति है, सच्चा सुख है। एक दिन जंगल चों लकड़ा लैन गया तो आंदियां बड़ा तेज मीह पैण लग पिया, हनेरी चलन लग पई, कुछ दिस नहीं सी रहा। भाई मंज एक सुके खूह च डिग पिया, खूह च भी भाई मंज बाणी जपन लगा। जद सिख लभदे लभदे उस खूह को लाए तो उन्हें रस्सी सुट के भाई मंज नूं बाहर आउण लई कहा, तो भाई मंज कहण लगा कि पहला गुरु घर दियां ये लकड़ां बाहर कढ़ो ते फिर मैनू। गुरु साहब भी उत्थे पहुंचे, उन्हां भाई मंज नूं गल नाल ला लिया ते उहदी शरदा ते भगती वेखदिआं उहनूं इक पिंड दा प्रचारक बना दिता। लाहौर जुलाई 1588। साईं मियां मीर जी वेखो ये फुल किड्डे सोहने निकल आए ने ते खुशबू किड्डी मनमोहक है। हाँ अब्दुल, खुशबू तो वाकई मनमोहक है। उस नूरानी इंसान दी, वो रोशन शख्सियत दी जेड़ी हुने साडे कोलों उठ के गई है। मैं कुछ समझा नहीं पीर मियां मीर जी, थोड़ा इशारा किधर है? अब्दुल, मैं इंसानियत दे उस फुल उस रहबर गुरु अर्जन देव की गल कर रहा है जिदी खुशबू कदे कटेगी नहीं, जिसकी खूबसूरती कदे मुरझाएगी नहीं। सदियां सदियां तक उदी सोच उदे फलसफे नू इंसानियत सिजदा करती रहेगी। ये रहबर अमृतसर तो लाहौर ताडे तक किस मकसद लिए आए सन? ये रहबर दा इक्को ही मकसद है अब्दुल, इंसाना दी सुरत उस परवरदिगार नाल जोड़ना। बस हर पासे दूर दूर तक उस कादर दा रोशन जलवा दिसे। साईं मियां मीर जी, ये पैगंबर तां फिर अल्लाह दा नूर है। हाँ अब्दुल, ते हुने अमृतसर विच ऐसी इबादत गाह बनवा रहे ने जिथे हर पल उस खुदा दी इबादत दा गायन हुंदा रहेगा। ते मेरी ये खुशकिस्मती है कि उस इबादत गाह दा नी पत्थर ए फरिश्ता मेरे तो रखवा रहा है। सच खंड हर मंदर नू रचन वेले मियां मीर तो नी रखाई सतगुर जा पात दे वित करे दूर करके सांझ सारे आदि इस विच पाई सतगुर दूर दूर तो संगता चल आया सेवा सारियां इस विच लाई सतगुर
अमृत जल विच दान निर्माण करके विच सच दी जोत जगाई सतगुर विच सच दी जोत जगाई सतगुर विच सच दी जोत जगाई सतगुर। तीन साल गुरु साहब इलायची बेरी हेठ बह के कार सेवा की निगरानी करते रहे ते फिर हरिमंदर साहब की उसारी मुकम्मल हुई। उस वेले गुरु साहब ने राग सूही विच ए शब्द उचारिया, संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम, तरत सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल छाया राम। तरन तारण विच गुरु साहब ने मुरादपुर पिंड दे चौधरी ते बख्शिश कीती जिन्हों कोड़ हो गया सी ते उहदे पुत दुखी होके उन्हों ब्यास दरिया विच सुटन चले सन। पर गुरु साहब ने चौधरी नू सरोवर विच इशनान करन ते बाणी सुनन दा हुकम दिता। सरोवर विच इशनान करके ते बाणी सरवण करके चौधरी बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। पता नहीं की समझदा अपने आप नूं। मैं क्या जी, की होया? किसे नाल बोल कबोल तां नहीं हो गया? ओ मेरा वस चलदा तां बोल कबोल मैं करदा अमानत खान दे नाल। जो ने कीती है इहदी सजा उहनूं इक दिन जरूर मिलूगी। की होया जी, की कीता है अमानत खान ने? गुरु साहब संगतां दी सेवा ते शरदा नाल मिल के जिहड़ा सरोवर पक्का करवा रहे सीगे ते दरबार साहब दी उसारे लई इट्टां दा आवा तैयार कराया सी, पर ओह कमबख्त अमानत खान उस आवे दीआं इट्टां अपने पिता दी याद च बन रही सरां च लाउण लई जबरदस्ती ला गया। ये तो बड़ा मना कीता उहने। गुरु साहिब ने भी वचन कीता भगवान ने कि जिस तरह ताकत दे जोर नाल ए इट्टां चुकियां गईयां ने उसे तरह ताकत दे जोर नाल ए इट्टां वापस आउण गियां। गुरु साहिब दे वचन उदों सच होए जद सरदार बुद्ध सिंह ते सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया ने नूरदीन सरां दियां नीहां दियां इट्टां वी पुट के सरोवर दियां परिक्रमा विच ला दित्तियां। मेरी तां किस्मत ही रुसी पई है, सारी उम्र दुखां दियां कंधां च भज भज ही बीत जानी है। बलिए लोके की गल है, सुख ते है। सारा सुख तो गुरु अर्जन की पत्नी माता गंगा दे करमा च ही है। अज कोठे ते लीड़े सुकने पाउन गई सी। हाँ, नाल दी छत ते उन्ना दे सुकने पे लीड़े इन्ने कीमती ते सोने ते साढ़े कुछ भी नहीं। सबर कर, सबर कर पलिए लोके, सबर कर। जो भी माता गंगा दा है ना, वो एक दिन तेरा हो जाना है। ਓਏ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਗੋ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਿਕਾ ਲੁਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਦ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਿਪੁੱਤੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੀੜ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਥ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ।
बाबा बुढ़ा जी इस शानो शौकत तो खुश ना होए। माता गंगा जी ने गुरु साहब तो इहदा कारण पुछया तां गुरु अर्जुन साहब ने कहा कि सेवा ते सादगी विच बड़ी शक्ति है, उहदा संग करो। अगले दिन माता गंगा जी ने सवेरे उठ के आप मिसा आटा चक्की विच पीसिया, फिर आप रोटियां पका के मक्खन ते लस्सी बना के नाल गंढे लैके सारियां वस्तां सिर ते रख के बाबा बुढ़ा जी पास गए। बाबा बुढ़ा जी इस ते बहुत प्रसन्न हुए ते प्रशादा छकदिया गंढा हाथ नाल भनदिया वर दिता कि आप जी दे घर अजिहा बली पुत्र पैदा होएगा जिहड़ा वैरियां दे सिर गंढे वांग भनेगा। गुरु की वडाली 14 जून 1595। बाबा बुढ़ा जी दे दित्ते वर मुताबिक गुरु अर्जन देव जी दे घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। इस बालक का नाम बाबा बुढ़ा जी ने ही हरगोबिंद रखिया। संगतां विच उत्साह दियां लहरां सन, पर पिरथी चंद की ईरखा होर जवान हो गई। सारियां सिख संगतां बालक हरगोबिंद दे जन्म की खुशी च जशन मना रही सन, पर पिरथी दे मन विच ईरखा गुस्से ते कपट दे अंगारे दहक रहे सन। बालक हरगोबिंद दिनों दिन सोने बाल दे रूप विच वध फुल रहा सी। समझ नहीं आती कि कद तक नकामी परछावें वांग मैनू चंबड़ी रहेगी। सोचिया सी अर्जन देव ने पुत्ता है ते इस तो बाद सारा कुछ मेरे पुत सांभ लैणगे, पर हर गोबिंद के जन्म ने मेरे सारे सुपने मिट्टी विच पिला के रख दिते ने। सोचिया सी चलाकी ते कपट दे साथ दे नाल बाल गोबिंद नू मरवा के अपने सुपनिया नू हकीकत विच बदल लवांगा, पर मेरा हर वार खाली गया। हर तरकीब मेरे लिए मायूसी दा सुनेहा लैके आई है। पर कोई नहीं, मैं चुप नहीं बैठांगा। गुरु घर ते कब्जा करके ही जावांगा। मैं इन्नी छेती हार नहीं मनागा। मैं गुरु घर ते कब्जा करके ही जावांगा। श्री गुरु अर्जन देव जी नू अमृतसर तो कढ़न दे इरादे नाल पिरथी अपनिया नापाक कोशिशां करता रहा। मियाँ वैसे उस रब सच्चे दी कायनात किन्नी खूबसूरत है। आओ वेखो सूरज दियां किरणां किस तरह जग अंदर चानण कर रही ने। ओ परवरदिगार इस करामाती चानण दा कोई मुल कोई लगान भी नहीं लैंदा। मियाँ जी जिद्दां ये सूरज जग दा हनेरा दूर करता है उसे तरह मेरे गुरु साहिब दी बाणी मेरे अंदर दे सारे हनेरे दूर कर देंदी है। मियाँ जी अजकल गुरु साहिबान ने रामसर विखे एक सरोवर बनाया। हाँ मियाँ जी गुरु साहब रूहानियत दे इतिहास दा एक महान कारज कर रहे ने। गुरु साहब ने पहले 4 गुरु साहिबान दी हाथ लिखित बाणी इकट्ठी कीती है। पहले 3 गुरु साहिबान दी हाथ लिखित बाणी गुरु अमरदास जी दे पुत्र बाबा मोहन जी कोल सी। गुरु साहब ने आप जाके वह बाणी उन्हां कोलों लियांदी ते हुण उह 4 गुरु साहिबान की बाणी के नाल नाल वक् वक् धर्मां दे भगतां की बाणी इकट्ठी कर रहे ने। पावन भीड़ बना रहे ने जिन्हों भाई गुरदास जी लिख रहे ने। वाह भाई वाह सचमुच ये ग्रंथ संसार दा सब तो अलौकिक धार्मिक ग्रंथ होवेगा। गुरु साहिबान की बाणी वक् वक् मजहबां दे रहबरां की बाणी ये पैगाम देगी कि वो खुदा एक है। हर जुबान हर मजहब ओ सिख सच्चे परवरदिगार दी उस्तत ते गीत गाउंदे ने। कुर्बान जावा इस इलाही रब्बी नूर ते कुर्बान जावा।
सन 1604 ईस्वी विच आदि ग्रंथ 3 साल की अथक मेहनत तो बाद संपूर्ण कर लिया गया। श्री हरिमंदर साहब विच इसका प्रकाश किया गया। बाबा बुढ़ा जी नूं हरिमंदर साहब का पहला ग्रंथी थापिया गया। दिल्ली दे तख्त ते उस वेले बादशाह अकबर की हकूमत सी। चंदू शाह उदा दीवान सी जिन्हों अपने रुतबे ते बड़ा हंकार सी। लगता है चंदू शाह दी तकदीर च परमात्मा ने कोई चीज लिखी है, कामयाबी। कामयाबी। जिले सुबानी अकबर दा दरबार इस चंदू शाह दी सोच ते इशारियां दे मुताबिक चलता है। बादशाह सलामत मेरे ते उन्ना ही यकीन करदे ने जिन्ना हर किसे नू सूरज दी रोशनी ते हुंदा है, सानू हवा ते हुंदा है। नमस्कार नमस्कार शाह जी, नमस्कार। नमस्कार रोहित जी, आओ। असी बड़ी बेसबरी नाल तुहाडा इंतजार कर रहे सी। साडा काम तुसी कीता के नहीं? पंजाब चो असी अपनी लड़की लई तुहानू योग वर लभण लई गया सी। शाह जी, तुहाडी लड़की लई बड़ा योग वर लभिया। पूरे पंजाब च उस परिवार नू बड़े सत्कार नाल वेखिया जांदा है शाह जी। अच्छा, ते नाले लड़का हाय 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 बेहद खूबसूरत। बहुत खूब पुरोहित जी, बहुत खूब। किस इलाके दा हाकम है परिवार, या फिर किसे नवाब दा शाही मुलाजम है? किन्ने कु मुतहक ओहदे थले काम करदे ने, ओदी मुट्ठी च किन्ने के लाखे दी ताकत है। शाह जी, ओ कोई हाकम जिमीदार या शाही मुलाजम नहीं, बल्कि सिखां दे पंजवें गुरु गुरु अर्जन देव जी दा परिवार है। शाह जी, सारा पंजाब उन्हां दा सत्कार करदा। उन्हां दे सपुत्र हरगोबिंद बड़ी मनमोहनी शख्सियत है, जिदे लई असी तुहाडी लड़की दा रिश्ता तय करके आए हैं। शाह जी, श्री गुरु अर्जुन देव जी, जी गुरु संत जी, उदे बेटे नाल चंदू दी बेटी दा रिश्ता। चंदू जिदे वजूद नाल हकूमत तड़कदी है, उदी बेटी दा रिश्ता संत दे बेटे नाल। ओ परोहित जी, ये तुसी की कीता? चुबारे दी इट मोरी नू लाए। ओ परोहित जी, ओ चलो तुसी जो कीता सही कीता। पुरोहित दे नाल गए कुछ सिखां ने जद चंदू दे ए हंकारी बोल सुने तां उन्हां वापस आके गुरु साहब नू कहा कि इस हंकारी बंदे दे परिवार दा रिश्ता गुरु घर नहीं लएगा। गुरु साहब सिखां दी ये गल मन गए। आओ परोहित जी, आओ, की खुशखबरी लेके आए हो? जी, परोहित जी, साफ साफ दसो ना की होया। गुरु जी ने तोहफे मोड़ दिते। क्यों? ओ कहंदे कि चंदू होरां वर्गे अमीर घर दे नाल एक दरवेश दे घर दा रिश्ता कितना जुड़ सकता है? नहीं नहीं नहीं, गुरु अर्जुन देव ने ए रिश्ता नहीं तोड़िया, बल्कि खुशियां ते सुखां नाल अपना नाता तोड़ लिया। चंदू चंदू चंदू, जिन्हें कदी हार दा मूंह नहीं वेख्या, जिसकी तस्वीर नू कदे जल्ले जुबानी ने नहीं ठुकराया, उस चंदू दी कुड़ी दा रिश्ता एक एक मामूली जे संत परिवार ने ठुकरा दिता। नहीं नहीं, मैं इस गल दा बदला लवांगा, गुरु करता चैन हराम कर देंगा। हुण मैं आसमान नू धरती ते ले आवांगा।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੰਦੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਅਕਬਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। 1605 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਲਗਾਮ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਚ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਰਤਾਜ, ਹਵਾ ਦਾ ਇਹ ਗੀਤ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਰਤਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬੇਗਮ? ਮੇਰੇ ਸਰਤਾਜ, ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਸੋਚ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਸਰਤਾਜ? ਬੇਗਮ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੁਝ ਲਗਾਨ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਪਰ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਪੋਲੇ ਪਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਗਮ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਚੰਦੂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਖੁਸਰੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਇਸ ਖਾਦਮ ਦਾ ਦਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚੰਦੂ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ? ਜਦ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਤਰੇੜ ਆਏ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਖਾਦਮ ਦਾ ਉਦਾਸੀ 'ਚ ਡੁੱਬਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਜਹਾਂ ਆਲਮ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ? ਹਜ਼ੂਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਖੁਸਰੋ ਦਾ ਬਾਗੀ ਹੋਣਾ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵਦਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਸਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਖੋਖਲਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ। ਬਸ ਚੰਦੂ ਬਸ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਵਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਦਿਲ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਧੜਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਸਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਰੇਕ ਅਦਨਾ ਫਕੀਰ, ਇੱਕ ਅਦਨਾ ਫਕੀਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਰਮਾਨ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਵੇ। ਜਾਓ ਜਾਓ, ਉਸ
गुरु अर्जन नू गिरफ्तार करके लियाओ। असी कश्मीर लई रवाना होवांगे। रस्ते विच लाहौर विच उस बागी दे नाल मुलाकात करांगे। जाओ। जो बादशाह सलामत दा हुक्म। गुरु अर्जन देव तू जल्द तो जल्द गिरफ्तार होएगा तू। जब गुरु साहब की गिरफ्तारी दे हुक्म होए तो गुरु साहब जान गए सन कि शहीदी का समा आ गया। इसलिए 15 मई 1606 ईस्वी नू गुरगद्दी हरगोबिंद साहब नू सौंप के आप लाहौर जहांगीर के दरबार विच पेश होए। हूँ आएगा मजा। बड़े दिनों तो मैं बदले की अग च झुलस रहा सी। गुरु अर्जन देव नू कतल करके वो अख पुछेगी। बादशाह सलामत भी इनू मेरे हवाले कर गए ने। तेनू हुक्म की खिलाफ अर्जी करन ते कतल करन दा हुक्म दे गए ने। चंदू दी कुड़ी दा रिश्ता टुकराया सी। चंदू दे घर ही गुरु जी नू नजरबंद किया गया सी। गुस्से ते रुतबे दे नशे च अन्ना होया चंदू गुरु साहब कोल गया। कितना दा शख्स है, मौत दे साए इहदे ते लहरा रहे ने, पर इह तां बैठा है जिद्दां कुछ होया ही ना होवे। अर्जन देव अजे भी मौका है, हकूमत दी मान लै। आद ग्रंथ चो मुसलमान ते हिंदू भगतां दी बाणी कर दे। खुसरो नू तिलक लाउन ते आशीर्वाद देन दे गुनाह दी माफी मंग लै। शायद हकूमत तेरे ते तरस खा जाए। पर गुरु साहब ने चंदू दी एक ना मन्नी। उन्हां आख्या कि ना कोई हिंदू है ते ना मुसलमान। जिन्हां वी उस वाहिगुरु दी उस्तत कीती, लुकाई नू हरी जस गाउण लई प्रेरिया, उन्हां दी बाणी आदि ग्रंथ चो नहीं कढ़ी जाएगी। ते जिथों तक खुसरो दा सवाल है, जद उन्हां कोई गुनाह ही नहीं कीता ते ओह माफी मंगण। अर्जन देव, सानू ते साडी हकूमत नू बेचैन करके आप तो कितना शांत चित होके बैठा है। हकूमत तेनू भी अशांत करेगी। तेरी ये ठंडक साडे अंदर बेचैनी दे भांबड़ पाल रही है। साडे अंदर दी गुस्से दी अग तेनू भी सड़ना पाएगा। ओए, उपल दे पानी दी देग तैयार कीती जाए, ओदे च इसनू बिठा के वेखदे हां कि फिर ये कितना शांत चित रहिंदा है। गुरु साहब नू उबल दी देग विच बिठाया गया, पर उन्हां दी लिव उस पार ब्रह्म नाल लगी सी। खौलदा उबलदा पानी उन्हां दे शरीर नू चुलसा रहा सी, पर गुरु साहब दे सिदक नू ना चुलसा सकिया। भाणा मन्नण दे अटुट विश्वास नू ना डगमगा सकिया। चंदू दा गुस्सा वधदा जा रहा सी। अपने ते तरस कर, गुनाह
गुनाह कबूल कर लाए अर्जुन देव, गुनाह कबूल कर लाए। पर गुरु साहब नू अकाल पुरख दा पाना कबूल सी, उदे हुकम नाल प्यार सी। गुरु साहब उस वाहिगुरु दा नाम जपते रहे। तत्ती तवी दी गर्मी भी जद गुरु साहब नू डुला ना सकी तां चंदू ने गुरु साहब उत्ते तत्ती रेत पाउण दा हुकम दिता। कंबी तरती अंबर भी लाल होया, ऐसा अर्जन गुरु ते जुल्म कमाया गया। चंदू चंद्रा चंडाल दा रूप हो फिर तायत हो गई, सुरख तवी ते जदों बठाया गया। पाने विच रेक पड़ दे रहे बाणी, गर्म रेत सीस ते गर्म रेत शीश ते पाया गया, गर्म रेत शीश ते पाया गया। तेज तरह पांच दिन गुरु साहब नू तसीए दित्ते जांदे रहे। उन्हां दा शरीर छालियां नाल भर चुका सी। ते फिर 30 मई 1606 ईस्वी नू उन्हां दे शरीर नू रावी दरिया विच शहीद कर दिता गया। उन्हां रस्तियां ते सदा कौम चलू, जिन्ना रस्तियां ते पैड़ा पा गए ने, परलोतीक ओ जग ते कायम रही सन। बूटे अणख दया के ला गए ने, बेशक जालमा जुल्म दी अत कीती, सहनशीलता गुरु वखा गए ने। कंडे रावीद अंतम सवास देके अर्जन गुरु शहादत नू पा गए अर्जन गुरु शहादत नू पा गए ने। या खुदा, ऐना कहर, ऐना जुल्म, ऐना तशद्दद वेख के भी तू चुप क्यों है? जद हवामां च भी गुरु साहब दी शहादत ते हंजू ने, जद धरती दा सीना चीख रहा, आसमान भी इस जुल्म ते कुरला रहा, तो फिर भी मेरे खुदा तू ये सारा कुछ चुप करके क्यों देख रहा?
इन्हां ज़ालमां नूं क्यों सज़ा नहीं दे रहा तू खुदा मेरे, क्यों ज़ालमां नूं सज़ा नहीं दे रहा, क्यों सज़ा नहीं दे रहा। तेरा किया मीठा लगे तेरा।